लाई कर लो, इतना कंजूसी करोगे तो कहाँ रखोगे पहले बताइए। भाभी जी हम अपनी जिंदगी तो देखे नहीं कि हम कितना दिन जिएंगे, लेकिन हम जितने दिन जिएंगे दिन आपको याद रखेंगे। वाह वाह घनश्याम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई तो आप शायरी लिखते हो। भाभी जी हम अपनी जिंदगी तो देखे नहीं है कि हम कितना दिन जिएंगे, लेकिन हम जितने दिन जिएंगे उतना आपका सपोर्ट करेंगे। ओके ओके एग्जाम भैया, लेकिन आप रहोगे हमेशा हमेशा के लिए, जब तक हम धरती पर रहेंगे तब तक आप लोग भी रहोगे। भाभी जी आप मुझे नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। मैं उदास नहीं हूँ घनश्याम भैया, फिर उसके आगे। लेकिन भाभी जी हम सारा चीज छूट गया क्योंकि मुझे अब अच्छा नहीं लगता कुछ। क्यों घनश्याम भैया इतना भी बताइए। बड़े भैया नमस्ते, आपको लाइक कर दिया। ओके ओके बड़े भैया कैसे हो। राम तिवारी तो प्रणाम भैया, कैसे हो आप, मेरे एलबी में आए, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे खुशी हुई। घनश्याम भैया बोले भाभी जी मैं धारा म्यूजिक प्रोडक्शन से गाना गाया था, ये सात सॉन्ग होते गीत, भोजपुरी सॉन्ग और माता रानी के गीत थे। अच्छा अच्छा घनश्याम भैया, ये बात थी तो क्यों छोड़ दिए घनश्याम भैया, क्यों छोड़ दिए। बड़े भैया बोले हैं राम, बड़े भैया बोलते हैं तुम इतनी हो जी। अरे नहीं भैया मैं अच्छी नहीं हूँ, लाइक कर दिया। तो बड़े भैया बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अच्छी नहीं हूँ, बस आप लोग का प्यार आप लोग का सपोर्ट इतना मिलता है कि मैं कहीं कहीं हो जाती हूँ। और डॉक्टर साहब बोले आप तो क्या लिखे अनुभवी, सॉरी आप तो अनुभवी है, प्लीज कुछ तो समझे समझा सकते हैं आप, क्योंकि आपने दिल से जानिए पराए दिल की नहीं। अब मैं इसकी विषय में कैसे बात बताऊँ, मैं ये सब नहीं समझ पाती हूँ। विजय डॉक्टर साहब कसम से बोल रहे, कसम खा के बोल रहे, मैं अपनी इतना नहीं जानकारी हूँ कि मतलब कब कैसे किसके साथ क्या हो जाता है, तो कैसे फीलिंग होती है उसके बाद कैसे, मैं नहीं समझ पाती हूँ। और हाँ मैं बचपन से नटखटी हूँ, आज भी वही आदत है जो छूटने का नाम नहीं ले रहा है बकिया, और मैं नहीं समझ पाती उसमें। और बड़े भैया खाना वाना खा लिया आप। सुमन जी चले गए क्या, मछली प्रकट हो गई है। हाँ अनुज भैया, माधुरी दी उनके यहाँ मछली इतनी तेज है ना कि वो सुखवा सुखवा खाती है, कंजूस कहीं का है कि एलबी में लेकर आए सबको थोड़ा थोड़ा बांट दें। भाभी जी गुड नाइट जी बोले ना। ओ देखा अब जब दिनेश भैया का ना मांगे ब्लू जब दे दे तो बाय बाय भागते हैं, अगर भगला तो समझ ले रहा दिनेश भैया, भाग गया तो मत अभी। आदर्श सदो की वाचिंग, आप लोग भी जुड़ते रहिए, सभी लोग को दिल से धन्यवाद है। अनुज भैया गए क्या, जो लोग मेरी एलबी से जाए तो प्लीज आप लोग बता के जाना ना, क्योंकि मैं ऐसे चिल्लाती रहती हूँ आप लोग सुनते ही रह जाते हो। राधे राधे राम भैया, राधे राधे कैसे हो बड़े भैया, राधे 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 राधे। तो बड़े भैया बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा नेट प्रॉब्लम देर है धीरे है। हाँ हाँ बड़े भैया वो जियो का है ना इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। भाभी जी अब मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ क्या करें। घनश्याम भैया बोले भाभी जी मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ क्या करें, कहाँ बताएं तब घनश्याम भैया। मेरी देवरानी ला दीजिए सही हो जाओगे आप। घनश्याम भैया मेरी देवरानी लेकर आइए पहले, वो सही हो जाएंगी। जैसे कि अनुज भैया हैं बोले देवरानी लाने के लिए, तो कंजूस कहेगा वो अपने अपनी देवरानी से भी नई बात करवा रहे हैं। जो लोग हैं हमारे एलबी में आप लोग भी जुड़ते रहिए, सभी लोग को दिल से धन्यवाद है। और प्लीज आप लोग के साथ मेरा